अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आपके द्वारा। यूसुफ भाई, मैंने आपकी पहले वीडियो बनाई थी, सबसे पहले तो आप बताएं कैसा रिस्पांस मिला? कस्टमर आए, कॉन्टैक्ट किया आपसे लेकर गए? सर कॉन्टैक्ट तो बहुत आया। अच्छा। लेकिन असल में बात यह है कि हमारे कराची से जो है ना बाहर के बहुत ज़्यादा कस्टमर ने फ़ोन हमें किया। अच्छा। लेकिन उसके लिए हम मतलब है कि उसको हम माल पहुँचाने से थोड़ा काफिर हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो लॉकडाउन होता है हमारे यहाँ, मार्केटें मतलब है कि बंद रहती है दो दिन हफ्ते में, और फिर ये है कि लॉकडाउन कभी बढ़ भी जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा माल भी कम आता है, उसकी वजह से फिर हमें परेशानी होती है। ठीक है। फिर बाद अवकात अड्डे वाले भी थोड़ा तंग करते हैं, परेशान करते हैं। अच्छा। तो इस वजह से हम मतलब ये है कि पंजाब वगैरह, केपीके वगैरह और बलोचिस्तान में हमारे पास फोन खूब आते हैं। सही है। लेकिन उस वजह से जो है ना उन्हें तो मतलब ये है कि मना कर देते हैं कि यार अब फिलहाल मुश्किल है। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर आने वाला दिन मतलब ये है कि थोड़े अच्छे हो गए, हालात सही हो गए, नॉर्मल हो गए, तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। इंशाल्लाह हमारा तो काम है, हमें तो इसमें फ़ायदा है, नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो है ना अभी फ़िलहाल मतलब ये है कि थोड़ा सा हमें ये टेंशन हो रहा है और कोई अच्छा वजह। तो सर आज आपके पास क्या क्या वैरायटी है? हमारे पास सर ये डिफ्रीज़र वगैरह पड़े हुए हैं, ये अच्छे अच्छे डिफ्रीज़र हैं, साफ साफ डिफ्रीज़र है, कम इस्तेमाल हुए हैं कुछ कंपनी के, मतलब ये हमने जो ये लिए हुए हैं इसमें है कि ये इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन ये कि गारंटी वगैरह इसकी नहीं, गारंटी कार्ड नहीं होता है, तो रेट में मतलब है कि 6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार का फ़र्क कंपनी के रेट से आ जाते हैं। सही है। तो कस्टमर को उसमें ज़रा फ़ायदा होता है। फिर हम अपनी तरफ से गारंटी दे देते हैं, किसी को साल भी देते हैं, किसी को 6 महीने भी। ये कि ओरिजिनल चीज़ होते हैं तो आगे जाके चलता है। सही है। तो सर सबसे पहले आप, मैं स्टार्ट करूँ कहूँगा कि यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से इसके बारे में बताएं मुझे। ये डिफ्रीज़र है सर, ये 18 साइज़ का डिफ्रीज़र है, ये नया डिफ्रीज़र है, नया 0 मीटर डिफ्रीज़र है। तो ये जो है ना मार्केट में इस वक्त में ये 55 का जिसका रेट चल रहा है, और ये हम कस्टमर को मतलब ये है कि 42-43 तक दे देते हैं। सही है। ये नया डिफ्रीज़र है, बिल्कुल 0 मीटर है। अच्छा। ये इस्तेमाल हुआ नहीं है, 18 साइज़ के है, फुल साइज़ है ये। अच्छा, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल नहीं जी हाँ, ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा। ये होता है कि इसके सर अब डब्बा वगैरह नहीं आते हैं, तो इस वजह से जो है ना रेट में थोड़ा कम हो जाते हैं, इसके साथ डब्बा नहीं है। बाकी ये क्या प्राइस होगी सर? ये सर हम दे देते हैं 43-44 तक दे देते हैं। वैसे मार्केट में अगर आप नया लोगे तो ये 55 का पड़ेगा आपको, ये 18 स्टील का कहलाता है। अच्छा। जी जी, फुल साइज़ है, इससे आगे फिर डिफ्रीज़र नहीं आते फुल साइज़ में। तो कंपनी कौन सी है सर ये? ये वेव्स कंपनी है। वेव्स कंपनी का। जी जी ठीक है। नेक्स्ट कौन सा सर आपके पास, आगे देखते हैं? ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है, ये भी मतलब नया पीस है, ये आप देख रहे हो इसमें अंदर गारंटी वगैरह सब अंदर पड़े हुए हैं। ये 15 साइज़ कहलाता है। 15 साइज़ है। जी 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 ठीक है। ये भी 0 मीटर है? 0 मीटर है, ये कंपनी के जो होते हैं। डिस्प्ले वाले तो नहीं है सर? डिस्प्ले में जो रखे नहीं, ये डिस्प्ले के नहीं है, ये असल में हमने कंपनी से जो है ना हमने ये लाड उठा लेते हैं। सही है। तो ये कंपनी मतलब है हमें थोड़ा सा कम में दे देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इसके कार्टन वगैरह नहीं होते हैं। सही है। बाकी ये होते नए हैं, लेकिन मतलब है कि पैक वगैरह नहीं होते हैं। दूसरी बात ये है कि मतलब है कि 1 साल पुराने मॉडल हो जाते हैं, ये फ़र्क होता है, बाकी होता नहीं है। ये प्राइस में कितना फ़र्क आ जाता है? प्राइस में तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है। 7-8 हज़ार कंप्लेन तो नहीं आती इसमें? कंप्लेन वगैरह नहीं आती है, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ है। वारंटी कार्ड वगैरह? वारंटी कार्ड इसमें पड़ी हुई है, वो कंपनी एक्सेप्ट करती है, वो गारंटी। हाँ हाँ, वो एक्सेप्ट करती है कंपनी। सही है। जैसे आगे वाला सर? इसमें आगे वाला ये भी जो आपको मैंने बताया 18 साइज़ के डिफ्रीज़र है। सही है। हाँ, ये भी वेव्स कंपनी का है। सही है। हाँ, तो ये नया डिफ्रीज़र है, बिल्कुल कंडीशन तो वो नज़र आ रही हाँ, है। हाँ, ये नया डिफ्रीज़र है। हाँ, 0 मीटर कंडीशन लग रही है इसकी। सही है। तो इसकी क्या प्राइस होगी सर? ये तकरीबन 43-44 का मिल जाता है, वैसे मार्केट से 55 का इसका अपना ओरिजिनल रेट है। सही है। हाँ, और ये वाला, ये डबल डोर, ये यूज़ में है, ये पूरा डिफ्रीज़र है, ये पूरा बर्फ़ का कहलाता है, ये डीडी कहलाता है, इसको डीडी कहते हैं। डीडी? जी हाँ, डीडी, ये पूरा बर्फ़ का होता है। सही है। जी जी हाँ, ये पूरा बर्फ़ का होता है। ये मार्केट में होगा सर? ये मार्केट में तकरीबन सर नया अगर आप लोगे तो ये 60,000 तक मिल जाएगा आपको नया। हाँ, बाकी ये यूज़ में है तो यूज़ में तकरीबन 40-42 तक दे देते हैं हम। 40-42। हाँ, लेकिन ये कि अच्छी ओरिजिनल कंडीशन में। सही है। ठीक है सर। इसके अलावा ये किस साइड में भी रखा हुआ है कोने पे? ये भी है, ये यूज़ में है, ये हायर का डिफ्रीज़र है, छोटा सिंगल डोर का है। सही है। हाँ, ये यूज़ में है, ये तकरीबन 25,000 तक मिल जाते हैं नया। 35 का है, 35,000 का नया मार्केट में। ठीक है। और आगे वाला? ये भी हायर का है, ये इससे बड़ा साइज़ है, बड़ा साइज़, ये 10 साइज़ कहलाता है, ये 12 साइज़ कहलाता है। सही है। जी जी। इसकी क्या प्राइस होगी सर? सेम होता है तकरीबन 19-20 फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। अच्छा। कंडीशन के ऊपर होती है ना, जितनी अच्छी कंडीशन होती है फिर उस हिसाब से रेट भी होता है। इसकी क्या प्राइस होगी सर? इसकी क्या फंक्शन? ये भी यूज़ में है। सही है। हाँ, यूज़ में है, सेकेंड हैंड कहलाते हैं ये। सही है। तो ये तकरीबन मतलब ये है कि
24 से 25 तक मतलब है, अच्छी कंडीशन में अगर होता है तो मिल जाते हैं। थोड़ा नॉर्मल कंडीशन होता है, गैस वगैरह चार्ज होते हैं, तो 20 तक मिल जाते हैं, कंडीशन के ऊपर होते हैं। एक साल की गारंटी दे रहे हैं? गारंटी हम जो है ना, ये जो नया पीस होते हैं, जिस तरह का गारंटी कार्ड नहीं होते हैं, होते नए हैं, उसकी हम अपनी तरफ से साल दे देते हैं। बाकी ये सेकेंड हैंड होता है तो इसके हम एक महीने की गारंटी देते हैं, चेकिंग गारंटी एक महीने देते हैं। तो उसके बाद आपकी क्या? तो उसमें ये होता है, अगर कराची में होते हैं तो हम होम सर्विस गारंटी देते हैं। हमारा बंदा जाते हैं वहाँ पर, जो कंप्लेन के चार्जेस 2,400-500 रुपये होते हैं वो कस्टमर देते हैं, बाकी जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, जो गैस का खर्चा आता है तो हम देते हैं। इसके अलावा अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो उसको हम चेंज भी करके दे देते हैं। और अगर कोई पुराना देना चाहे? पुराने में ये है कि पुराने में जो है ना, हम पुराने भी ले लेते हैं, तो वो भी हम कंडीशन को देख के लेते हैं। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा रफ होता है तो उसके फिर अलग रेट होते हैं, अच्छी कंडीशन में होते हैं तो उसके फिर अपने हिसाब से जो पैसे होते हैं उसको हम पैसे लगाते हैं। सही है जी जी। चलिए यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप बता दें। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये ले लेना, 0323-2621-385। सही है। और दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए। ये जो है ना, अपना अब्दुल कदीम इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। हाँ, शॉप नंबर जैक्सन। जी हाँ, जैक्सन सेंटर। हाँ, जैक्सन सिमाड़ी कराची। जी जी ठीक है। शॉप नंबर 19 है। शॉप नंबर 19 है। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, अच्छा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।